केशव मैं बहुत परेशान हो गई हूँ. क्या हुआ कोकी जी, क्या हुआ? लो प्रकट हो गया मेरा सब्स्टिट्यूट. कोकी मुझे ये समझ में नहीं आता, इसे पता कैसे चल जाता है कि तुम परेशान हो? चुप रहो केशव. दिलरुबा जी, आपकी नजर में कोई भी काम वाली बाई है क्या? नहीं नहीं, मैं काम वाली बाइयों पर नजर नहीं रखता हूँ. नेचुरली. व्हाट डू यू मीन? बाय द वे कोकी जी, प्रॉब्लम क्या है? मुझे घर के कामों के लिए काम वाली बाई चाहिए. हूँ बस इतना ही. हाँ. मुझे लगा कि ना ये केकू जी आपको परेशान कर रहे हैं. हाँ, परेशान तो मैं हूँ. क्यों? मेरे ऑफिस जाने के वक्त तुम जो आ गए हो. नहीं नहीं, नॉर्मली मैं आपके ऑफिस जाने के बाद ही आता हूँ. थोड़ा लेट हो गया, गए नहीं अभी तक. शट अप. कोकी, काम वाली बाई को घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है. केशव, मैं काम वाली बाई रखूंगी, मतलब रखूंगी. अरे घर का काम करने से औरतें फिट रहती हैं. चुप रहो तुम. ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ. चलिए दिलरुबा जी. मैं क्यों? कोई भी समझदार पति अपनी रूठी हुई बीवी को पड़ोसी के हवाले छोड़कर नहीं जाता. चलो. लेकिन मैं पड़ोसी का हूँ, मैं तो घर का ही हूँ ना. हाँ तो घर चलो. कोकी, कोकी. अरे आओ आओ पिंकू. अच्छा हुआ तुम आ गई, वैसे भी कोकी को काम वाली बाई की तलाश थी. जाओ तो अपना काम करो. केशो, कोकी तुझे काम वाली बाई की जरूरत है? हाँ हाँ, तेरी नजर में है कोई? हाँ, मेरी काम वाली है ना, उसकी भतीजी है. वो बेचारी का पति ना जेल में है. तब तो अच्छा है ना, रोज काम पे आएगी. तो भेज दो उसको. ठीक है, मैं भेजती हूँ, अभी जाके भेजती हूँ. हाँ सुन, मैंने सुना है बड़ी खूबसूरत है, जरा संभल के. हाँ हेमंत भाई, आ जाऊंगी. 9 बजे की शिफ्ट है, 11 बजे तक पहुँच जाऊंगी. हाँ हाँ, लंबे बालों वाली बिग याद है. एक तो मैं खुद अपनी पर्सनल बिग लेकर आती हूँ, ऊपर से आप रोज मुझे कॉल करके याद दिलाते हैं. कहाँ ना आ रही हूँ, बाय. बिल. कहाँ गए थे? मैं जरा मार्केट गया था तुम्हारे लिए मस्का लेने. इतनी देर? हाँ एक्चुअली क्या ना, जाने से पहले थोड़ी देर के लिए केकू जी के घर के अंदर झांक के गया था. केकू जी के यहाँ झांकते हुए गए थे या कोकी जी से मिलने गए थे? क्या डॉल, तुम्हें पता है उनके वहाँ ना नौकरानी को लेकर बहुत बड़ा टेंशन हो गया है. अच्छा, तो तुम क्या उनके यहाँ नौकर की अर्जी लेकर लाइन में खड़े होने गए थे? मैं क्यों नौकर बनूंगा? कोकी जी के लिए तो तुम कुछ भी कर सकते हो, नौकर भी बन सकते हो. अब तो मुझे लगता है मुझे अपने लिए ही नौकरानी ढूंढनी पड़ेगी. ठीक है, ये बताओ मैं तुम्हें मक्खन लगाऊं? मेरे मतलब ब्रेड पे मस्का लगाऊं? अच्छा, मस्का बचा है तुम्हारे पास? कोकी जी के यहाँ गए थे ना, सारा मस्का तो वहीं लगा दिया होगा. मेरे लिए कुछ बचा है? डॉल, ये तो है ना, तुम ना हर बार इस बात को लेकर मुझको डांटते हो. अच्छा मेलो ड्रामा बंद करो. ओके. वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे बात करने का. मेरे पास लंबे बालों वाला बिग कहाँ पर है? 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ, मिली नहीं रहा है. ढूंढो और उसे इस बास्केट में रखो, मैं अभी आती हूँ. और फालतू चीजों में टाइम मत बर्बाद करना, जल्दी करो. सब मैंने कहाँ रखी थी विग, माय गॉड. अगर मुझे नहीं मिला तो डांट पड़ेगी, फिर मार भी पड़ेगी. ओह गॉड, यही तो है. उनकी लंबे बालों वाली विग. कोकी जी, फिकर नॉट, मिल गई तुम्हारे लिए नौकरानी. मत रखना कुलकर्णी, घर में नौकर मत रखना. क्यों? तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी. कैसे? मैंने रखा था ना घर में नौकर. हा? हुआ ये कि मेरी बीवी मुझसे ज्यादा उसका इंतजार करने लगी. इसलिए तो मैं काम वाली बाई रख रहा हूँ. Yes, Mrs. Pandey. सर, हम ही केशवा पुट अप करना चाहते हैं. केशवा? Mrs. Pandey, ये केस तो मैंने आपको 10 दिन पहले दिया था. सर, लेकिन हम 7 दिन से जो छुट्टी पे थे ना. 7 दिन की छुट्टी? इतनी लंबी छुट्टी पे क्यों गई थी?
उका है ना सर, हमारी जो काम वाली बाई है ना, वो ना अपने गांव चली गई थी। अच्छा अच्छा ठीक, यू मे गो। थैंक यू सर। देखा गोखले, ये काम वाली बाई का प्रॉब्लम तो इंटरनेशनल हो गया यार। कोई है? कौन भाई? कौन है? कौन है? नमस्ते बहन जी, मेरो मैडम नमस्ते। आप कौन? मैं पारो। पारो? पारो? हाँ हो। अच्छा हाँ हाँ, पारो पिंकी ने भेजा है। कौन पिंकी? पिंकी? हाँ पिंकी ने भेजा है, पिंकी ने भेजा है। आओ अंदर आओ। अरे अंदर कहाँ जा रही हो? आप ही ने बोला ना अंदर जाओ। अंदर आओ बोला, जाओ नहीं। हाँ। कहाँ रहती हो? वो वरली है ना, उधर चोपड़ा पट्टी में। अच्छा, पहले कभी काम वाम किया है? बहुत काम किया है, बड़े बड़े घरों में काम किया है, लेकिन वहाँ के मैम साहब ना हमेशा मुझे काम से निकालती थी। क्यों? क्योंकि उन लोग का साहब लोग है ना, मेरे को देख के उनका मन थोड़ा टोल जाता था। अच्छा पैसों का बोल। जो आप बोले वही ठीक है। नहीं नहीं, पहले दिन से साफ रहना बहुत जरूरी होता है, बाद में टेंशन नहीं चाहिए। इससे पहले वाली काम वाली ऐसे ही बोलती थी, मैडम जी कुछ भी चलेगा, फिर बाद में मेरे घर की एक एक चीज गायब होती गई। एक दिन मैं आपको भी गायब कर लूंगी। क्या? अब मेरा मतलब है, एक मौका दीजिए आपके साथ काम करने का। तुम्हारे पति को कोई आपत्ति तो नहीं होगी यहाँ काम कर रही हो? अरे नहीं नहीं, उनको कोई आपत्ति नहीं है, बहुत साल पहले ही वो राम जी को प्यारे हो गए। क्या? लेकिन पिंकी ने तो कहा तुम्हारे पति को उम्र कैद हुई है। पिंकी ने ऐसा कहा? हाँ हाँ ठीक कहा ना, वो क्या है कि मेरा पति चोरी डकैती के मामले में ना जेल के अंदर गए, लेकिन उधर का जेलर का नाम था राम सिंह जी, उनका बहुत सेवा किया इसलिए वो राम जी को प्यारे हो गए। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत बात करती ना मैं। हो गया। हाँ, इससे पहले कहाँ काम करती थी? वो हीरोइन है ना, बड़ी हीरोइन प्रेमा सालिनी, उनके वहाँ। अच्छा प्रेमा जी की? हाँ, वो तो हमारे बगल में ही रहती है। तुम्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा वहाँ। अरे यहाँ नहीं, वहाँ वरली में उनके पुराने घर में। अच्छा 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 ठीक है। उनका पति को आप जानते हैं दिलरुबा जी? कितने अच्छे आदमी है ना, और इतना नेक इंसान है वो, कितने खूबसूरत है दिखने में भी, आपको कैसा लगता है? देखो ये सब मुझे मालूम नहीं, लेकिन प्रेमा शालिनी का नाम लिया इसलिए मैं तुम्हें रख रही हूँ, समझ लेना। थैंक यू। हाँ ठीक है। दिखा दिखा, तुम्हारे हाथ को जाने पहचाने लग रहे हैं। अरे वो पांडे बर्तन करते हैं। मम्मी भूख लगी है। हाँ बेटा। अरे रे रे, कौन है छोटू? ये मेरा बेटा चिंटू है। हाँ कितना प्यारा बच्चा आपका। अरे मम्मी, इसने गाड़ी नहीं बनाई है? आज सुबह टाइम नहीं मिला ना। क्या? मैडम थोड़ा सर पे तेल लगाऊ? नहीं 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 चाहिए। तो फिर पैर में लगाऊ? नहीं, घुटने में। अरे मैं बूढ़ी हूँ क्या? तो फिर मैं क्या करूँ? चुपचाप कोने में बैठी रहो, एक तो इतने दिनों के बाद मुझे कुछ आराम से पढ़ने को मिल रहा है, चुपचाप बैठी रहो तुम। पारो, सुबह से मैं देख रही हूँ तुम मुझे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही हो, बात क्या है? वो क्या है ना कि मुझे आप बहुत बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। इतनी खूबसूरत है। ओ ये क्या है? आपको पपी ने मारा, इसको इसको पपी दिया। अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है पारो? देखा होगा ना, वो मैं प्रेमशालिनी के उधर काम करता था ना पहले, तो उधर प्रेस वाला फोटो वोटो न्यूज पेपर में डाल रहेगा। हो सकता है, दिखने में अच्छी है ना ऐसा। आपका सर थोड़ा दबाओ। आज नहीं चाहिए बाबा। थोड़ा बैक दबाओ। चुप बैठो, शांति से। टिंग टोंग। हाँ उसका दबाओ। टिंग टोंग, दरवाजा खोलो। अच्छा। पारो उधर दरवाजा खोलो। केशव, क्या हुआ? ये क्या है?
ये हमारी नई नौकरानी है पारो। पारो ये मेरे वो है चिंटू के पापा केशव कुलकर्णी। अच्छा आपका मिस्टर है। कहाँ से उठा के लाए इसको? अरे पिंकी ने भेजा है। इसे तो पिंकी आंटी अच्छी थी। क्या? उसने रख लेती। केशव ऐसे मत बोलो, इस बिचारी का पति जो है ना वो जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसके लिए अच्छा है, जानबूझ कर गया होगा। केशव अच्छा मैडम हाँ मैं चलती हूँ। फिर कब मिलोगी? जब आप कहोगी। कोई जरूरत नहीं है, वापिस कभी मत आना, चलो निकलो। ठीक है मैडम मैं जाती हूँ, बता देना कल आने का या साथ। अरे रुक रुक केशव, अगर ये चली गई ना कल घर के सारे काम मैं तुमसे करवाऊंगी। हाँ क्या हुआ? सूख रही हूँ ना। क्या? सुन रही हूँ सुन रही हूँ। अच्छा तो मैं चलती हूँ। हाँ ओके ओके साहब। ओके मैडम। अरे हाँ हमारे उधर रिवाज है। हाँ जाओ अभी जाओ जाओ कल आना। हाँ हाँ मिल गया मुझे जाओ कल। मैंने तुमसे चिल्ला चिल्ला के कहा था कि मुझे लंबे बालों वाली बिग चाहिए और तुमने मुझे ये छोटे बालों वाली बिग दे दी। लंबे बालों वाली बिग तो यहाँ पर है और इसकी वजह से मुझे वहाँ शूट। ये तुमने अपने कानों में क्या पहन रखा है? टॉप्स। टॉप्स नहीं झुमके। कहाँ पहन कर गए थे? तो एक्चुअली मुझे पार्ट टाइम नौकरी मिल गई है ना। अच्छा तो ये झुमके तुम वहाँ पहन कर गए थे? ये तो मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा था। वैसे कौन है वो बेवकूफ जिसने तुम्हें नौकरी दी है? कोई है। कोई का मतलब? कोई है। एनीवे जो कोई भी है, आज तो तुमने झुमके पहन लिए, कल कंगन और पायल मत पहन के बैठ जाना, समझे स्टूपिड? अरे ये क्या हो गया? कोकी जी क्या बोलेगी? कट 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 टप्पा। संडे मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, क्रिस्पी न्यूज़पेपर और कोकी के हाथ की कड़क चाय। कोकी कोकी चाय पिलाना। चाय। तुम क्यों आई? अब संडे तुम्हारी छुट्टी है, चलो जाओ। अरे छुट्टी पट्टी चाय चाय लेके। क्या मुझे नहीं पीनी तुम्हारे हाथ की चाय? अरे कोकी। अरे कोकी। अरे पियो ना। क्या है क्या, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या क्या हुआ? मेरा संडे बिगाड़ दिया। क्यों? मुझे इसके हाथ की चाय नहीं पीनी। अरे लेकिन क्यों? जरूर इस चाय में कुछ काला है। अरे काला दाग है चेहरे पे, इसलिए ऐसा बोला ना आपने? ये बचपन में मैं गांव में गिर गई थी और काला दाग मेरे को छोड़ते ना अभी तक मेरा वेश ऐसा, तुम करोगे कैसे? अरे अरे केशव क्यों रुला रहे हो? ये चाय मैंने बनाई है। अच्छा हाँ तो एक काम करो, इसको बोलो कि ये चाय को चखे, ये पीने के बाद अगर ये जिंदा रही उसके बाद मैं पीऊंगा। यहाँ जाने को जगह भी नहीं है। क्या है केशव? रहना तब मैडम, ऐसा जहाँ पे मैं काम करती ना सब लोग यही बोलते थे, पहले चख के देखो बाद में खाएंगे पियेंगे। देखो बुरा मत मान। अरे 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 ये क्या कर रही हो? इंसाफ करो। आकर पी कर लो। कोकी कोकी कैसी हो? पिंकी थैंक यू किस लिए? अरे तुमने नौकरानी भेजी इसलिए है? मैंने कौन सी नौकरानी भेजी? तुमने तो भिजवाई थी ना। वो आ गई? अरे मुझे तो ये पता चला था कि वो कहीं और काम कर रही है। छे छे, वो सीधे यहीं आ गई। अच्छा अरे कितना आराम है क्या बताऊं। सॉरी मेरे को लगा फ्लावर पॉट है। कैसे हो शांति? शांति नहीं पारो।
पारो कल तक तो शांति थी। नहीं वो क्या है कि मेरा मायके में मेरे को शांति बुलाते हैं और मेरे ससुराल में मेरे को पारो। ठीक है ठीक है। अच्छा पारो ये नई मालकिन कैसी है तुम्हारी? नई मालकिन बहुत बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, अच्छी है। बस 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 वही से। लेकिन वो मालिक थोड़ा खड़ूस है। क्या बोली? क्या बोली? ये मेरे ही घर में मुझे खड़ूस कैसी है? केशु जरा वॉल्यूम कम करो ना, क्या है ये? क्यों? मेरा घर है, मैं जितना जोर से चाहूंगा बोलूंगा। इसने तुम्हारे एक लौते पति को मेरे ही घर में तुम्हारे सामने खड़ूस कहा और तुम्हें सुन लिया। और क्या करती आजकल नौकरानियां मिलती कहाँ है? ए पिंकी आंटी, पिंकी जी, इसको जाके कहीं नाले में फेंक दो। केशुपाजी सबर रखो आप। वैसे भी ना इसका पति ना जेल से छूटने ही वाला है कुछ दिन में। हाँ चुप रहो, केशव से माफी मांगो। क्या? सॉरी पारो, साहब से माफी मांगो। ठीक है भागते सर, मैं बहुत सारी सारी मुझे माफ करना है साहब जी, ऐसे मेरा मुझे गलती से निकले। सारी सारी दूर से छोड़, मुझे माफ किया। अरे भतीजी तुझे माफ किया, बराबर से माफ कर, जिंदगी भर के लिए माफ किया। क्या तरीका है माफी मांगने का? ऐसे कोई माफी मांगता है? इसको जाके तबेले में बांध दो। ऐसे कोई आदमी तुम क्या छोड़ो? हाँ? अरे केशव खबरदार, जो माफी मांगी ना दूसरी बार। अरे बोलो तो तुम कभी आ जाओ, मैं हेलो प्रेमा जी। केशव जी कैसी हैं आप? जी जी मैंने कहा कैसी हैं आप? केशव जी क्या कहा आपने? नहीं प्रेमा जी, आपसे नहीं प्रेमा जी। प्रेमा जी कल मैं आपकी शूटिंग पे आया था, आपको तकलीफ हुई तो आप नाराज तो नहीं है? अरे बेशरम, दूर हटो भैंस कहीं की। केशव जी क्या बोल रहे हैं? नहीं प्रेमा जी, आपसे नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा था प्रेमा जी कि कल मैं आपके शूटिंग में आया था। अरे बेशरम, शर्म नहीं आती? इतने करीब से खड़ी रहती हो, दूर। केशव जी आप होश में तो हैं? मैं संपूर्ण होश और हवास में हूँ प्रेमा जी। एक्चुअली क्या डायन चुड़ैल कहेगी? केशव जी आप होश में बात कर रहे हैं कि नहीं? हाँ प्रेमा जी मैं होश में हूँ, मेरा यकीन कीजिए, ये सब मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी नौकरानी जो मुझे परेशान कर रही है। ओह, तो पहले आप अपनी नौकरानी को निपटाइए फिर मुझसे बात कीजिएगा। हेलो हेलो प्रेमा जी, अरे क्या कर रही हो पारो, मेरा फोन कट गया। फोन कट गया, वो थोड़ा खराब हो गया, देखा एक मिनट ठीक कर दो, कचरा गया ना। देखो अभी हेलो बोला, हेलो हेलो बोल के देखा, हेलो पारो। हाँ बोलो कोकी। क्या मैं बाजार जा रही हूँ? अरे नहीं नहीं। क्यों? आप बाहर जाएगी तो मैं घर में एकदम अकेली हो जाऊंगी ना, बोर हो जाऊंगी। क्यों, घर में कोई काम नहीं है? काम करने के लिए थोड़े ना आई मैं इधर। तो क्या टाइम पास करने के लिए आई हो? अरे नहीं नहीं, वो क्या, मैं आपका, मेरे को क्या, वो मैं आपके साथ, मेरे साथ क्या, आपके साथ बैठ के बात करने का, आपको देखने का, सुख दुख बांटने का, पति के बारे में बुराई करने का। चुप करो, मैंने तुम्हें यहाँ घर का काम करने के लिए रखा है और मैंने सोचा मैं बाहर बस घूमती रहूंगी, सुबह से शाम रोज रोज घूमूंगी मैं। अच्छा चलती हूँ। ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं, काम करो। हाँ पारो काम करो। हाँ पारो प्लीज काम करो ना। हाँ इतने अच्छे से बोले तो ठीक है, मैं काम करके अब जाओ, हैप्पी जर्नी। चलती हूँ। ओके क्या हुआ, मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? अरे वो दरवाजा प्रॉपरली लॉक करने के लिए, वो क्या कि घर में अकेली हो ना, कमसिन जवानी।
लॉक कर लेना। हाँ बाय कोकी जी। बाय। कोकी जी चली गई, मैं क्या करूंगा, बोर हो गया हूँ। गॉड ओके कोकी जी आ गई। एक पल भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। अभी कोकी जी घर पे हैं? कोकी जी घर पे हैं? घर पे कोई नहीं सब बाहर के। ओह वेरी गुड। तो मैं से डर क्यों रही हूँ? मैं कोई मर्द हूँ क्या? लेकिन मैं तो हूँ ना। हाँ मेरा मतलब घर पे अकेले हूँ ना, इसके लिए डर लगता है। ओह अच्छा सुनो, मुझे तुमसे ही काम था। तुम मेरे घर में काम करोगे क्या? नहीं नहीं मैम साहब, मैं छुट्टा काम नहीं करता है। जिस घर में काम करता हूँ ना, उसी घर में काम करती हूँ, और किधर नहीं जाती। मैं तनख्वाह ज्यादा दे सकती हूँ। क्यों, तुम्हारे घर में नौकर नहीं है? है ना, लेकिन मैं उसे निकालने वाली हूँ। अरे क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं करता, आजकल तो घर पे भी नहीं रहता, पता नहीं कहाँ गायब रहता है। उसका नाम क्या है? तुम्हें उससे क्या? अच्छा तुम ये बताओ, तुम मेरे घर में काम करोगी? अरे नहीं नहीं। क्यों? मेम साहब से डरती हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं, मेम साहब तो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। वो सांप ना, वो बहुत खड़ूस है, बहुत खूसट है, उससे थोड़ा बच के रहना पड़ता है। वो सांप का तो कोई टेंशन नहीं, उनको मैं पटा लूंगी। क्या तो बात ऐसी है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, पर बीवी के सामने आते ही हो जाता है पंगा, क्या समझे? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.